अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? खैर खैरियत है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो प्रॉब्लम 7.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th और 10th का, और चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम 7.3। हमने ऑलरेडी दो प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम 7.3। बहुत ही आसान सवाल, चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक प्रोटॉन है जिसका मास इतना है, 1.67 इंटू 10^-27 केजी, जो कि एक सर्किल में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। उस सर्किल का जो रेडियस है वो है 100 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 × 10^-12 न्यूटन। इतना फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है उनमें, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब ये जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन? अब हमें फाइंड करना है कि उस प्रोटॉन की वेलोसिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, चलो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम डाटा बनाएंगे, उसके बाद इसको हम फर्दर मूव कराएंगे। डेटा में कहता है कि प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 इंटू 10^-27, मीन्स एम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10^-27 केजी मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आर जो है रेडियस, उसकी वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 × 10^-12 न्यूटन, मीन्स फोर्स जो है यहाँ पे वो भी गिवन है 1 × 10^-12 न्यूटन। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड कौन सी चीज है। रिक्वायर्ड जो है वो है वेलोसिटी फाइंड करें प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सवाल, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं इनके, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है ये वाला, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला यूज करके हम वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम पहले लिख लेते हैं फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम वैल्यू पुट करें तो एफ इज इक्वल टू, वैल्यू अगर हम पुट करें तो एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डायरेक्ट हम एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज, फर्स्ट हमारे पास एफ है और एफ की जो वैल्यू है वो है 1 × 10^-12 इज इक्वल टू एम, मास गिवन है 1.67 × 10^-27 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। वी हमें फाइंड करना है तो वी स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं। डिवाइड बाय आर, अब देखें ये जो आर है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन दूसरे जो वैल्यूज हैं वो एसआई सिस्टम है, ये जो आर है वो सीजीएस सिस्टम है। तो हम इस आर को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो जब भी कोई भी सेंटीमीटर वाला वैल्यू मीटर में कन्वर्ट होगा तो उसके डिवाइड में आ जाएगा 100, 100/100 दैट बिकम 1 मीटर, मीन्स एक 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो अब हम मीटर वाला वैल्यू जो है वो यूज करेंगे, तो हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में 1 है उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे 1 × 10^-12 इज इक्वल टू 1.67 × 10^-12
-27 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, तो ये इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर है वो जब दूसरे साइड जाएगा इक्वल के तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹² डिवाइड बाय 1.67 × 10⁻²⁷। अब हम क्या करेंगे, विदाउट पावर वाले जो टर्म्स हैं वो आपस में डिवाइड करेंगे। विदाउट पावर वाले टर्म्स कौन से हैं, वो ये हैं 1 ÷ 1.67, 1 ÷ 1.67, ठीक है। तो अब अगर हम डिवाइड कर लें तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इनका वो होगा 0.598, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, हम अब पावर लिख लेते हैं, ऊपर वाला पावर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नीचे का जो डिनोमिनेटर वाला पावर है वो जब ऊपर जाएगा तो इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू है वो पावर -27 है, वो जब ऊपर आएगा तो इसका जो पावर है वो हो जाएगा 27 प्लस का। ओके, नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज रहेगा 0.598। अब देखें बेस सेम है, बेस दोनों का 10 है, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर बेस सेम है तो पावर एड हो जाएंगे आपस में, -12 + 27 -12 + 27। नाउ अगेन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.598 इंटू, अगर हम 27 में से 12 माइनस करें तो रिजल्ट होगा 15, ठीक है। अब देखें यहाँ पे v स्क्वायर है लेकिन हमें v चाहिए, तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे v स्क्वायर, और यहाँ पे भी 0.598 × 10⁻¹⁵ रेडिकल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था लास्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था उसमें मैंने ही बताया था आपको कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग जो वैल्यू हमारे पास बचेगा वो होगा वी, और अगर हम रेडिकल फाइंड करें, रेडिकल फाइंड करें किसका, इस वैल्यू का 0.598 एक्सपोनेंशियल 15 का, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें किसका, रेडिकल दिस वैल्यू का, तो हमें पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2.44 × 10⁻¹⁷। वी है तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच।